Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग सो जिंदगी। तो आज की अपडेट है वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉकर के जो क्वार्टर फाइनल तक की अपडेट हम दिखाएंगे आप सब लोग दो मेरे साथ में। और देखिए अपडेट ऐसा है कि पुल ए में जो पुल ए आप लोग देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर एंड वन पुलिस कचाल और जो विनर है जो आ गया है विनर इस पुल के वो है पोर्ट ब्लेयर और रनर रहा है अंडमान निकोबार पुलिस के। और पी पुल में आप देख सकते हैं पी पुल में तीन टीम है कार निकोबार कैम्बल बे और रंग। और इस पुल में जो विनर है वो है कार निकोबार के 4 पॉइंट पर और रंगा 3 पॉइंट पर क्वालिफाई कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल। और सी पुल में है नानकोरी विंबलगंज और तेनेसा इसमें से 2 टीम गया है क्वार्टर फाइनल में और विनर है विंबलगंज और नानकोरी जो रनर है उसका। और जो लास्ट टी पुल है वो है 4 टीम है इसमें जिसमें से है चौरा लिटिल अंडमान टिकलीपुर और मायापन। और ये पुल का विनर रहा है चौरा जो कि 7 पॉइंट पर है और इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर लेके चौरा क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। और उसका रनर है हमारे टिकलीपुर के। और आज के इस फर्स्ट क्वार्टर फाइनल जो खेला जा रहा था कार निकोबार वर्सेस टिकलीपुर जो कि कार निकोबार 2 गोल बहुत ही काटे के टक्कर था 2 गोल मार के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है अपना कार निकोबार। और आज शाम के अपडेट है जो 12 बजे मैच होएगा चौरा वर्सेस रंगत और शाम को 3 बजे मैच होगा विंबलगंज वर्सेस पुलिस। तो ऐसे अपडेट सिर्फ इस चैनल में मिलेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू मिलते हैं और क्या आप सबका प्यार बाय। और कार्निवाल के इस में कार्निवाल लगातार 2 बार फाइनल में हारे हैं इस बार एक उम्मीद है कि कार्निवाल से ये टीम कार्निवाल सेमीफाइनल में पहुंच गई है दिलीपुर वर्मा के रोमांचक मुकाबले में। तो आज अगर कार्निवाल के सितारों की बात करें अगले सत्र में अगला मुकाबला आज शाम को खेला जाएगा 12:30 बजे दोपहर के चौरा बनाम रंगत और उसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला हमारे इकबाल पुलिस से टकराएंगे इस बार के प्रबल दावेदार जिंदलीगंज से। तो मैं सुलेमान और मेरे साथी कमेंटेटर असदुद्दीन को लेकर मिलते हैं दोपहर में दूसरे सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।